For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys and welcome to Movies Adda. Dosto, finally Total Dhamal ka ek aur new bang on song release ho chuka hai. Yes, aur gaane ka naam kya hai? गाने का नाम ये है कि स्पीकर फट जाएगा. यस, ऐसा भी कोई नाम हुआ? वेल, लेकिन इस गाने का नाम डेफिनेटली ये है और सॉन्ग में आपको पूरी की पूरी स्टार कास्ट देखने को मिलेगी. यस दोस्तों, इससे पहले जो सॉन्ग आया था मुंगड़ा, ऑफकोर्स उसमें सोनाक्षी सिन्हा और अजय देवगन इतने टाइम बाद एक साथ नजर आए थे, और उसके बाद अब जो है ईशा गुप्ता इस सॉन्ग में आपको नजर आने वाली है, जहां पर आप देखेंगे कि अजय देवगन ईशा गुप्ता को रोमांस करते हुए नजर आएंगे. हालांकि सॉन्ग जो है वो टोटल फुल ऑन यू नो धमाल टाइप्स है, बिकॉज ऑफ कोर्स फिल्म टोटल धमाल है. पूरी की पूरी स्टार कास्ट नजर आ रही है. गाना जो है वो थोड़ा सा पार्टी मोड वाला है. यू नो इतना करो धमाल की स्पीकर फट जाए. लिरिक्स बहुत कैजुअल, बहुत कैची लिरिक्स हैं ऑफ कोर्स. और जैसा कि हम सब जानते हैं 22 फरवरी को, जी हाँ, यानी कि 22 फेब को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है. तो जैसे जैसे रिलीज़ की डेट नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे एक के बाद एक के बाद एक बैंग ऑन सॉन्ग्स रिलीज़ होते जा रहे हैं. कहीं ना कहीं इसको आप एक टाइटल ट्रैक भी बोल सकते हैं, बिकॉज गाने में काफ़ी हद तक पूरी स्टार कास्ट है. उसके साथ साथ जो है गाने में जो वर्ड्स है, जो लिरिक्स है, वो कहीं ना कहीं पूरी फिल्म को भी दर्शा रहे हैं. उसके अलावा पूरा जो सॉन्ग है वो एक पार्टी मोड में सेट किया गया है, जैसा आप अगर नोटिस करेंगे सॉन्ग में. एंड ऑफकोर्स माधुरी दीक्षित को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, फिल्म में माधुरी दीक्षित हैं ऑफकोर्स. और डांस यहाँ पर आपको माधुरी का देखने मिलेगा. हालाँकि जो मुंगड़ा सॉन्ग था, अगर आप उसमें देखेंगे तो सोनाक्षी ज़्यादा नज़र आ रही थी अजय के साथ, माधुरी दीक्षित का उतना अपेरेंस था ही नहीं. लेकिन अगर मैं बात करूं इस गाने की, यस, तो इस गाने में ईशा गुप्ता है. ईशा गुप्ता के साथ साथ माधुरी दीक्षित बखूबी बहुत अच्छे से डांस करती हुई नज़र आ रही हैं, और दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस सॉन्ग में. और अनिल कपूर जो है वो माधुरी दीक्षित के साथ नज़र आ रहे हैं, और अजय देवगन जो है वो ईशा गुप्ता के साथ नज़र आ रहे हैं. तो कुछ इस तरीके से पेयरिंग बिठाई गई है. अब यहाँ पे कन्फ्यूजन मुझे इस बात की हो रही है कि ईशा गुप्ता भी हैं सॉन्ग में, सोनाक्षी सिन्हा भी थी एक सॉन्ग में, तो ये सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग्स के लिए केमियो है या फिर इनका मूवी में कोई रोल भी है? वेल, ये सीक्रेट तो खुलेगा 22 फरवरी को, जब ये फिल्म रिलीज़ होगी, थिएटर्स में आएगी. लेकिन तब तक आप लोग क्या कीजिए, आप लोग जाइए, ये सॉन्ग देखिए, गाना कैसा लगा ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. दिस इज़ ज्योति नाहा signing off.